हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल की डेट में यहाँ पर दो वीडियो से रिलेटेड आपको रूबरू कराया था, एक बार इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। आज के दिन में हम बात करने वाले एक और वीडियो की, जिसका नाम है एनएक्सटी डिजिटल के ऊपर यहाँ पर वीडियो बन रही है। दो दिन में 40% से ज़्यादा ये शेयर भाग लिया है। क्या वजह है इसके पीछे भागने की, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? और जो थंबनेल में आपने देखा है कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग फंसते हुए नजर आएंगे, क्यों नजर आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चले और किस तरीके से इन्वेस्टिंग की जाती है वो आपको नॉलेज मिले। क्योंकि किसी भी भागते हुए शेयर में कि ये शेयर भाग रहा है, दूसरा शेयर भाग रहा है, तो आप आंखें बंद करके शेयर को ना खरीदें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप एक तो ऊपर के लेवल पर फंस जाएंगे, अच्छा शेयर होगा तो ऊपर के लेवल पर फंस जाएंगे, बुरा शेयर होगा तो यहाँ पर कभी भी ये अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलेंगे, और अगर लोअर सर्किट अपर सर्किट में नहीं भी चले तो इसमें बड़े बड़े लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, आप लोग फंसे रह जाएंगे। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं, जानते हैं पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, और हमसे कॉन्टैक्ट करना है और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारी जितनी हो सके उतना सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किस स्टॉक से रिलेटेड, एनएक्सटी डिजिटल करती क्या है ये कंपनी, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो ये शेयर 52 वीक लो की बात करें 333, 52 वीक हाई की बात करें 11 जनवरी 566, और यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 171,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से 59,000 क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर लगभग 34% शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका यहाँ पर एक्स डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 22 अक्टूबर को यहाँ पर प्रीमियम अगर आप यहाँ पर देखेंगे राइट इशू आते हुए यहाँ पर दिखाई दिया 2:5 का, मतलब प्रीमियम है 290 रुपीज़ पर यहाँ पर राइट इशू आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। राइट इशू की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेट यहाँ पर दे रखी है 4th of December, 4th of December को यहाँ पर देख सकते हैं आउटकम ऑफ द राइट इशू कमिटेड मीटिंग अप्रूव फॉर अलॉटमेंट ऑफ राइट इशू, यहाँ पर राइट इशू का अलॉटमेंट हो चुका है। और ये राइट इशू के रीजन से ही यहाँ पर शेयर, आपने देखा होगा राइट इशू आते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी होती है तो चीजें भागती हुई दिखाई देती है, तो राइट इशू यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और पूरा का पूरा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर 40% ये शेयर दो दिन के अंदर अंदर भागा है। और क्यों भागा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 1.94 times, मतलब 194% ये शेयर राइट इशू इसका सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर देखें ये शेयर यहाँ पर दो दिन में लगभग 40% के लगभग ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। अब क्या करना चाहिए, अगर किसी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लेना चाहिए, क्यों बुक कर लेना चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा इसकी फाइनेंशियल्स एज वेल एज इसके बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। अगर इस कंपनी के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा हिंदुजा वेंचर लिमिटेड का एक पार्ट है। एंड अगर हम बात करें तो ये कंपनी टीवी सिग्नल बोथ थ्रू केबल एंड सैटेलाइट एंड आल्सो प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज थ्रू इट्स सब्सिडरीज वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पर ये कंपनी टीवी सिग्नल से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है, थ्रू जो केबल्स आपकी लगी हुई होती है एज वेल एज सैटेलाइट से रिलेटेड जो यहाँ पर आपको आप टीवी देखते हैं वो सब उसमें ही ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स क्या है। तो कंपनी डिजिटल केबल टेलीविजन प्लेटफॉर्म डिलीवर 750+ चैनल, मतलब 750+ चैनल, यहाँ पर 100+ सिटीज टाउन एंड HITS सर्विस आर अवेलेबल इन इंडिया अक्रॉस 1500+ सिटीज एंड टाउन। इट ऑल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ 9000 फ्रेंचाइजी अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री में भी अच्छी खासी इनकी फ्रेंचाइजी है, तो इसी चीज में कंपनी काम करती रहती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपका अगर चैनल डिश के थ्रू आप देखते होंगे एज वेल एज अगर बात करें केबल के थ्रू, तो ये उसी का एक पार्ट है। एनएक्सटी डिजिटल की अगर हम बात करें, इसके फाइनेंशियल्स की तरफ बात करें, तो देखिए सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी का क्या मतलब होता है, स्मॉल कैप कंपनी का मतलब होता है कि जब शेयर भागते हैं तो ऐसे ही 10-10%, 20-20% इसी तरीके से भागते हुए नजर आते हैं, और जब शेयर गिरते हैं तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 548 वाला शेयर 331 पे आ जाते हैं, तो इसमें यही हमें हमेशा अगर बात करें बिवेयर रहना चाहिए, हमेशा कॉशियस रहना चाहिए कि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें। और यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत सारे पैरामीटर्स देखें
उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें, वरना हम यहाँ पर इस लेवल पे फंस जाएंगे और उधर तक आने में कंपनी को शायद सालों लग जाए और या फिर कभी आए ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर देखिए स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड हम भी बातें करते हैं, बट हम सारे पैरामीटर्स को चूज करके यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 570 हाईएस्ट है इसका, 480 के आसपास ये करंट लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर आरओई देखेंगे 28 का नेगेटिव है। इसके अलावा आरओसी की बात करें 3% का, डेट की बात करें 56.1%, मतलब अगर आप देखेंगे तो 561% यहाँ पर डेट है इस कंपनी के ऊपर। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, प्लेजिंग कुछ नहीं है। कुछ और पैरामीटर्स की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरीके के इसमें हर्डल्स होते हैं। ये स्मॉल कैप कंपनी की खासियत होती है, भागती है एक साथ, भागती है गिरती है, इसी तरीके से गिरती हुई नजर आती है। इसके अलावा हम इसके फाइनेंशियल्स देखें, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगी सेल्स, तो यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार की जो सेल्स है 4-5 क्वार्टर की यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है। बट और जो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रही थी, यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी लॉस में है। ओके, यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली यहाँ पर अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी यहाँ पर लॉस में चल रही है। यहाँ पर इस कंपनी की सेल्स डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, बट यहाँ पर लॉस में चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ राइट इशू यहाँ पर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया और आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जो कि यहाँ पर घाटे में चल रही है, तो मुझे लगता है एक बेवकूफी वाला यहाँ पर डिसीजन हो सकता है और आपको अच्छा खासा बाद में मुआवजा देना पड़ सकता है। कैसे कि आपका शेयर प्राइस जो अभी आप यहाँ पर लेके लेके रख रहे हैं, किसी ने यहाँ खरीदा होगा, शेयर दोबारा नीचे गिरेगा और शायद 100 रुपये पे आ जाए और आपको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिखाई दे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जिसकी बैलेंस शीट ही स्ट्रांग ना हो, जिसके नंबर ही स्ट्रांग ना हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको बताया जाता है। ईयरली बेस पर बात करें तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में थी, वहां पर अच्छा खासा यहाँ पर लॉस दिखा रही है, लॉस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर लॉस में है। जब कंपनी कंप्लीटली यहाँ पर लॉस प्रॉफिट में आएगी उस टाइम एक बार सोच सकते हैं, बट अभी भी यहाँ पर कंपनी साल दर साल यहाँ पर लॉस में आ रही है। बट ये पॉजिटिव पॉइंट्स है कि इनका लॉस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये कोई पॉजिटिव नहीं है, लॉस लॉस होता है और स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसी कंपनी में फिर वॉलिटिलिटी रहती है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स देखिए नेगेटिव में पहुंच गए, जो अच्छे खासे रिजर्व्स हुआ करते कभी 700-800 करोड़ के, वो अभी यहाँ पर -3 करोड़ के रिजर्व्स है इस बार, तो मतलब कंपनी खुद का पैसा ही यहाँ पर खर्च किया जा रही है। बोरिंग की बात करें, कंपनी का बोरिंग बढ़ रहा है, मतलब रिजर्व्स है नहीं, बोरिंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस बार की 1176 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग है, जो कि हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, वर्किंग प्रोग्रेस में 17 करोड़ रुपए लगा रखे हैं कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट 14 करोड़, कैश की बात करें कंपनी का कैश यहाँ पर 156 करोड़ का कैश भी है, और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है इस बार का पॉजिटिव है, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर हमेशा ही नेगेटिव दिखाती हुई नजर आई है। आरओसी यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव था इस बार पॉजिटिव है, बट यहाँ पर इसे सीरियस मत लेना। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर्स यहाँ अपने शेयर यहाँ पर देखेंगे तो 70.82 थे September 2020 में, एक साल पहले 62 कर दिए, फिर अभी वो उसी तरीके 62.23% के शेयर यहाँ पर है। FIS की होल्डिंग 6.79% है, DIS की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, 11.11 रह गई है। पब्लिक की बात करें तो 19.87 है, बट 19.87 में भी लगभग अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 8-9% की हिस्सेदारी यहाँ पर निकल के आती है वो, तो यहाँ पर लगभग 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के पास नजर आती है। तो क्या अब क्या करना चाहिए, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है नो डाउट, बट यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें कंपनी के वो बेकार है, रिजर्व्स नेगेटिव में है, एज वेल एज बोरिंग यहाँ पर कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी के फाइनेंशियल उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, बट राइट इशू यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। और राइट इशू किस लिए बढ़ा है, ड्रिंक का 560 यहाँ पर राइट इशू आता क्यों है वो आपको हमेशा मैंने बताई है, उसका वीडियो भी बनाया तो उसे देख लीजिएगा। तो राइट इशू इसलिए ही आता है ताकि जो इनके पास लॉस होता है, जो यहाँ पर इनके पास डेट होता है, वो डेट एक्चुअली ये यहाँ पर पूरा पूरा खत्म कर सके, तो 560 करोड़ रुपए शायद ये खत्म करेंगे, तो दूसरे से पैसा लेके यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो इस चीज को यहाँ पर इसे नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना चाहिए, कुछ बार कुछ कंपनियों के लिए पॉजिटिव भी होता है, बट यहाँ पर ऐसी कंपनी के लिए तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पर ट्रेड करना है, किसी को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करते करके निकल जाए। ये हमने कभी भी इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर सजेस्ट भी नहीं किया, तो हमारे तो व्यूअर्स के पास ये पर्टिकुलर शेयर होगा नहीं, बट स्टिल किसी के पास है
तो यहाँ पर निकलना एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, वरना इसके वॉल्यूम देख सकते हैं कभी कभी यहाँ पर जागता है शेयर, ऑपरेटर ऐसे शेयर को भगाते हैं और फिर ऑपरेटर ऊपर के लेवल पर निकल जाएंगे और आप लोगों को नीचे छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग टारगेट टारगेट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ से एग्जिट करें, यही एक सबसे बड़ी बेहतरीन यहाँ पर रणनीति रहेगी और कभी फ्यूचर में अच्छा होगा एट दैट टाइम यहाँ पर हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, तब वी विल थिंक अबाउट इट, बट स्टिल स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बस यही आपको बताना था कि किस तरीके से आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करें, बेकार स्टॉक्स को यहाँ पर इस तरीके की अगर बैलेंस शीट हो तो नेगलेक्ट करने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। नीचे नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।